अरमान राजा जिंदा, उसे कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मानो तो सही। जब भी तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे राजा का चेहरा याद आता है। प्लीज मेरा यकीन करो, राजा को कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा। भाई बरा मेरा भाई, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हाँ, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी जिससे ये पता चलता है कि वो बॉडी राजा की थी। तो कैसे कैसे यकीन करूँ तुम्हारा? अगर तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है ना, तो जाओ जाओ और राजा को लेके आओ। जाओ। हाँ अरमान, मुझे खुद पर यकीन है क्योंकि मैंने खुद राजा को जिंदा देखा है। मुझे साबित करने का मौका तो दो प्लीज। आसमा, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। राजा के साथ साथ हमारा रिश्ता भी खत्म हो चुका है। राजा की मौत से अरमान का दिल टूट गया। हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से राजा की मौत हो गई है और सारे लोग उसका चौथा बना रहे हैं, लेकिन जो आसमा है वो विश्वास करने को ही नहीं तैयार है। और यहाँ पर आसमा अरमान को बोल भी रही है, घर वालों को बोल रही है कि नहीं, मैं तो उससे मेंटल हॉस्पिटल मिलने गई थी और यहाँ पर राजा को कुछ नहीं हुआ है और ये सब ना आलिया की चाल है। और लेकिन अरमान तो मानने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि अरमान को हमने देखा था ना किस तरीके का उसने वीडियो भेजा था सारे घर वालों को। आलिया ने मैनिपुलेट करके भेजा था वीडियो। एक्चुअली उसने, आसमा ने इतना नहीं बोला था, लेकिन उसने छोटा छोटा पार्ट करके जो मेन पार्ट वो एडिट करके सबको भेज दिया। 24 घंटे अरमान, 24 घंटे में मैं राजा को वापस लेकर आऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। कोशिश करना प्लीज, प्लीज ये पेपर कोर्ट में सबमिट मत करना। तुमने मेरी हर बात पे हमेशा यकीन किया है, हर बार किया है। एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बार भी कर लो प्लीज। राजा को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। मैं उसे वापस ला कर रहूंगी। कि जो वहाँ पर आसमा एकम को सब बताती है कि किस तरीके की उसके घर में मारपिटाई होती है और क्या कुछ होता है। राजा ने एक बार उसको कैरोसिन का तेल भी डाल दिया था। लेकिन यहाँ पर भाई अरमान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और अरमान ये सारा वीडियो देखकर ना वो पूरा ये सोचने लगता है कि भाई आसमा ही है सबके पीछे, और अगर आसमा मेरी जिंदगी से चली जाएगी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजा की तो मौत ही हो गई है। और जिसके बाद से अब घर वाले बिल्कुल भी आसमा को पसंद नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आलिया है वो अलग ही रूप में है। हम देख रहे हैं आलिया दुल्हन के रूप में रेडी हो गई है और यहाँ पर आलिया को लग रहा है कि अरमान उसके पास वापस आ जाएगा। वैसे आप मुझे बताइए कि आपको उड़ारियाँ का एपिसोड कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि वाकई में जो अरमान है भाई वो आलिया के पास वापस आ जाएगा और दोबारा उससे शादी कर लेगा और उसके साथ रहने लगेगा? वैसे जो हमने प्रोमो देखा है ना नया, उससे तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर हम नए प्रोमो में देख रहे हैं कि जो आसमा है वो किसी और देश में है और यहाँ पर वो दुआ कर रही है कि भाई जो अरमान है वो मेरे को मिल जाए दोबारा और सब लोग ठीक हो और यहाँ पर जो सच है आलिया का वो सामने आ जाए। और दूसरी तरफ जो अरमान है ना वो भी कहीं ना कहीं आसमा की चिंता कर रहा है। तो ये सब देखकर ना ऐसा लग रहा है कि भाई अरमान दोबारा तो नहीं जाएगा आलिया के पास वापस। तो अगर अरमान दोबारा नहीं जाता है तो आलिया का क्या होगा नया प्लान?